हेलो एवरीवन, इसके पहले के कई वीडियोस में हमने समझा कि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिस्क्लोजर में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से सेक्शंस हैं जो आपको ध्यान में पढ़ना है। अब जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो पहले आप इन्वेस्टर को सेट करना चाहिए वो एग्जैक्टली उसके फाइनेंशियल गोल्स है। इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के हिसाब से किया जा रहा है। सेकंड, रेगुलर इनकम पीरियोडिक टाइम्स में आपको जनरेट करनी है, उसके लिए कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट। या फिर तीसरा, हाई लिक्विडिटी है आपके पास और हाई लिक्विडिटी को आपको एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करके रखना है फॉर अ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, ये तीसरा कारण हो सकता है। तो ये तीन कारण को पहले प्रॉपरली एनालाइज कीजिए, कौन से तीन कारण में से कौन सा एक कारण आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच हो रहा है वो समझिए। पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को एडजस्ट कीजिए, फाइनेंशियल गोल्स को सेट कीजिए, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड के स्कीम के साथ उसको ऑब्जेक्टिव को मैच कीजिए, और उसके बाद आपका रिस्क एपेटाइट और म्यूचुअल फंड का रिस्क एपेटाइट, ये तीनों को मैच करके फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप मैंने आपको बताया, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले ये तीन क्राइटेरिया क्लियर कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। आने वाले वीडियोस में और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय या फिर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते समय बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू।